आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा, कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या हुई 108, सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में सियासी संकट बरकरार, राज्यपाल ने कहा बहुमत साबित करें कमलनाथ। बागी विधायकों ने कहा कमलनाथ सरकार से खतरा, केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराए। सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की विधायकों से अपील, कमलनाथ को हटाओ इसलिए हम तिहाड़ भेजेंगे। और कमलनाथ सरकार पर गहराया संकट, कांग्रेसी अब भगवान की शरण में। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, अब आंकड़ा 108 पहुंच चुका है। इनमें से 11 मरीज ठीक हो गए हैं जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। हालात को देखते हुए कई राज्यों ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है, तो कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन देश में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य देशों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना से निपटने पर चर्चा की। वहीं कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। अमेरिका कोरोना के खौफ में है, तो वहीं यूरोप में हालात अब चीन से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। हमारे यहां तेलंगाना में 2 नए केस से हालात चिंताजनक हैं। असम में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सभी स्कूल कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल राज्य में तत्काल प्रभाव से 29 मार्च तक बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं का संचालन जारी रहेगा। बोर्ड परीक्षाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने अलग अलग यूनिट में तैनात सभी डीसीपी और पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखने के लिए बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करें और मास्क पहने। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां संख्या बढ़कर 32 हो गई है, जबकि तेलंगाना में भी कोरोना के नए केस सामने आए हैं और अब तक यहां 3 केस आ चुके हैं। इस तरह पूरे भारत में कोरोना केस की संख्या 108 पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। अब राज्य आपदा कोष का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ कर सकेंगे। 4 राज्यों में कोरोना को महामारी घोषित किया गया है। इनमें राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड के साथ साथ गुजरात भी शामिल है। दिल्ली में सन्नाटा पसर गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ साथ थिएटर सब बंद है। जरूरत न होने पर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। मध्य प्रदेश की सत्ता अब धीरे धीरे कमलनाथ के हाथ से खिसकती जा रही है। एक तरफ कमलनाथ के बागी विधायक सरकार के लिए मुसीबत बने हुए हैं, तो वहीं एक और पहाड़ कमलनाथ पर टूट पड़ा है। आधी रात को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा कि मेरे अभिभाषण के ठीक बाद अपनी सरकार का बहुमत साबित करें। प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम में फिर एक नया मोड़ आया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश भाजपा नेतृत्व का एक दल राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने पहुंचा। राज्यपाल से मिलने के बाद शिवराज ने कहा कि 22 विधायकों के इस्तीफे देने के बाद कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। इसको लेकर राज्यपाल से मिलकर फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए ज्ञापन हमने दिया है। राज्यपाल से राजभवन में देर रात फिर मुलाकात के बाद शिवराज दिल्ली रवाना हो गए। हमने श्री गोपाल भार्गव जी, नेता प्रतिपक्ष, नरोत्तम मिश्रा जी, मुख्य सचेतक भूपेन्द्र सिंह जी, रामपाल सिंह जी, मैंने स्वयं महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दिया है। ये सरकार 22 विधायकों के इस्तीफे के कारण बहुमत खो चुकी है। अल्पमत की सरकार है ये, और इस सरकार को चलाने का कोई भी नैतिक और संवैधानिक अधिकार मुख्यमंत्री और सरकार को नहीं है। इसलिए अविलंब फ्लोर टेस्ट कराया जाए, विश्वास मत प्राप्त किया जाए। भाजपा द्वारा ज्ञापन मिलने के ठीक 7 घंटे बाद राज्यपाल ने कमलनाथ सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के निर्देश दे दिए। आधी रात
जारी पत्र में राज्यपाल ने कहा कि सरकार मेरे अभिभाषण के ठीक बाद बहुमत साबित करे। विश्वास मत विभाजन के आधार पर बटन दबाकर होगा, अन्य किसी तरीके से नहीं होगा। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। यह कार्रवाई हर हाल में 16 मार्च को प्रारंभ होगी और स्थगित विलंबित या निलंबित नहीं की जाएगी। इस फरमान के बाद से ही कमलनाथ सरकार अब खतरे के निशान से ऊपर आ गई है। सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कमलनाथ को भेजे पत्र राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174 व 175 दो व अन्य संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार को फ्लो टेस्ट करवाने का आदेश दिया है। राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में लिखा, प्रथम दृष्टया मुझे विश्वास हो गया है कि आपकी सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है। सरकार अल्पमत में है, यह स्थिति गंभीर है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु आप विश्वास मत हासिल करें। राज्यसभा के टिकट की खींचातानी ने कमलनाथ का तख्त हिलाकर रख दिया है। कमलनाथ सरकार भंवर में फंस गई है, जहां सरकार का डूबना तय माना जा रहा है। कमलनाथ सरकार के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, अब उसके पास बहुमत नहीं है। इधर विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कांग्रेस के सिंधिया समर्थक 6 विधायकों के इस्तीफे भी स्वीकार कर लिए हैं। बेंगलुरु में मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों ने रविवार सुबह फिर वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, हम अपनी स्वेच्छा से यहां आए हुए हैं और किसी ने हमें बंधक नहीं बनाया है, हम किसी के दबाव में नहीं हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें सीआरपीएफ की सुरक्षा या अन्य किसी एजेंसी की सुरक्षा वापस जाने के लिए दी जाए, हो सकता है कि हमें स्पीकर से मिलने नहीं दिया जाए। विधायकों ने यह भी कहा कि सरकार हो सकता है कि दबाव बनाकर परिजनों द्वारा कोई शिकायत कराए तो उसे अमान्य कर दिया जाए। सभी ने कांग्रेस सरकार से खुद को खतरा बताया और कहा कि जब सिंधिया जी को भोपाल में निशाना बनाया जा सकता है तो हमें भी खतरा है। सुनिए क्या कहा है इन विधायकों ने। मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से आई हूँ और अब मैं मध्य प्रदेश आना चाहती हूँ। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करती हूँ कि मेरी सुरक्षा के लिए मुझे मध्य प्रदेश आना है और मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। मेरे बच्चों पर कोई दबाव ना डाला जाए और मैं सिर्फ अपनी इच्छा से आई हूँ और मैं मध्य प्रदेश लौटना चाहती हूँ। और इस्तीफा मैंने जो मैं कैबिनेट में मंत्री थी महिला बाल विकास में, मैंने इस्तीफा दे दिया है। स्वेच्छा से अपनी विधानसभा क्रमांक 37 से इस्तीफा दे चुका हूँ और मैं अभी बेंगलोर में हूँ। स्वयं मैं यहाँ आया हूँ, कोई मुझे लाया नहीं है, ना ही किसी प्रकार का बंधन है, ना ही किसी प्रकार का कोई भी किसी ने बंधन बना के रखा है। सुरक्षा की दृष्टि से जब मैं मध्य प्रदेश जाऊँ तो मुझे केंद्रीय सुरक्षा बल से सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार वहाँ है उस सरकार से मुझे खतरा है। मैं नहीं समझता कि उस सरकार में अब हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए मुझे केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदान की जाए। इधर विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कांग्रेस के सिंधिया समर्थक 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। अब विधानसभा में भी दलीय स्थिति में भारी बदलाव आ गया है। अब सदन में कांग्रेस और भाजपा के बीच मात्र एक सीट का अंतर बचा है। यदि बाकी 16 विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो जाता है या वे सदन में उपस्थित नहीं हुए तो कांग्रेस सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। दोनों ही हालात में कमलनाथ सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को होने जा रहे फ्लोर टेस्ट के लिए भाजपा ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है और अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर भाजपा को बहुमत दिलाने के लिए व्हिप जारी हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से मैं इस्तीफा दे चुका हूं। मैं वर्तमान में बेंगलोर में मेरे मित्रों के साथ स्वतः शिक्षा से यहाँ आया हूं। मेरी रुचि है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से, गवर्नर साहब से मिल सकूं और जो वर्तमान की कमलनाथ जी की सरकार है उस पर मुझे भरोसा नहीं है कि वो मेरे विधानसभा के आने पर कोई भी परिजन मित्र या साथियों से कोई भी झूठी शिकायत कर
मुझे रोकने का प्रयास करेगी। कांग्रेस विधायक सुबह जयपुर से विशेष विमान से भोपाल पहुंचे और इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच होटल पहुंचाया गया। जयपुर से भोपाल लाए गए कांग्रेस विधायकों को भोपाल के मैरियट होटल में रखा गया है। इस बीच सीएम कमलनाथ के घर पर दिग्विजय सिंह और संसदीय कार्य मंत्री के बीच बैठकों का दौर जारी है। मंत्रिमंडल की भी बैठक होना है। इसके बाद शाम को विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सभी को फ्लोर टेस्ट की लेकर जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस दावा कर रही है कि उसके पास 112 विधायकों का समर्थन है। कमलनाथ सरकार पर खतरा बरकरार है, ऐसे में सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मध्य प्रदेश के विधायकों से अपील की है कि जिसे चाहे मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन सिख कत्लेआम के आरोपी कमलनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाएं। सिरसा ने कहा कि आप कमलनाथ को हटाएं, उसे तिहाड़ जेल तक हम पहुंचाएंगे। सरकार बचाने के लिए जोड़ तोड़ में लगे मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मध्य प्रदेश के सभी विधायकों से हाथ जोड़ के अपील की है और कहा है मुख्यमंत्री कमलनाथ 1984 के सिख कत्लेआम का आरोपी है, आप सभी मिलके उसे पद से हटाएं। एक वीडियो जारी करके मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा आप किसी भी दल से हो किसी भी दल का मुख्यमंत्री बनाएं, लेकिन सिख कत्लेआम में शामिल रहे कमलनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाएं। सिरसा ने कमलनाथ को सिखों का कातिल तक कहा। उन्होंने कहा हमने कमलनाथ के खिलाफ इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। सिरसा ने कहा आप इसे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएं, हम इसे देश की राजनीति से हटा के तिहाड़ जेल भेजेंगे। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा मध्य प्रदेश के सभी विधायकों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, कमलनाथ जो कि आज वहां का मुख्यमंत्री है, ये बेगुनाह सिखों का कातिल भी है। 3 बेगुनाह सिखों को आग लगाकर मारा गया रकाबगंज साहब के, और उसके अंदर कमलनाथ, उसके साथ ही विष्णु, ये सब लोग वो थे जो बहुत बड़ा मॉब लेके आए और बेगुनाह सिखों को जिंदा जला दिया। हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है कमलनाथ के खिलाफ और बहुत मुश्किल से कमलनाथ का वो केस 601/84 FIR जिसमें उस कमलनाथ द्वारा और उनके साथियों द्वारा बेगुनाह सिखों को मारने का मुकदमा दर्ज है, उसको खुलाने में कामयाब हुए हैं। इस केस में कमलनाथ यकीनी तौर पर जेल जाएगा, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं इस कातिल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे मत रहने। हम सभी सिख, हम सभी 1984 के पीड़ित विशेष तौर पर सभी MLO से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं किसी को मुख्यमंत्री बनाओ, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, इससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन कमलनाथ जैसा कातिल अगर मुख्यमंत्री बनता है तो ये हम सब के लिए डूब मरने के बराबर है। आज उसकी मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने दें। कल कमलनाथ को कुर्सी से हटाएं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं आप कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाओ, हम उसको देश की राजनीति से हटाएंगे, हम उसको तिहाड़ जेल में भिजवाएंगे और उसको तिहाड़ जेल में उसको बेगुनाह सिखों की कत्ल की सजा के लिए आप हमारा साथ दें। मध्य प्रदेश के सियासी संकट से मुख्यमंत्री कमलनाथ उबर पाएंगे इसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं। ऐसे में युवा पत्रकार अश्विनी मिश्रा का कहना है मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेसियों को नहीं साथ पाए जिसका ये परिणाम है। मिश्रा ने कहा कि 26 तारीख के बाद कांग्रेस के भीतर घमासान मचने वाला है। 2020 मैच की तरह मध्य प्रदेश की सियासत भी पल पल रंग बदल रही है और कमलनाथ सरकार पर आया संकट फिलहाल बरकरार है। इस समय मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी मिश्रा हैं। अश्विनी जी, बहुत रोमांचक दौर से मध्य प्रदेश की राजनीति गुजर रही है। जी देखिए, हम लोगों के इतिहास में एक ऐसा जर्नलिज्म के कह सकते हैं कि इतिहास में एक ऐसा पन्ना दर्ज होने वाला है कि जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को कहानी सुनाएंगे कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ था, जैसा आज के दौर में जब ये घटना मध्य प्रदेश में हो रही है कि तो लोग कहते हैं कि सम्मिश्र सरकार में द्वारका प्रसाद मिश्रा की जो सरकार थी उसको जो राजमाता सिंधिया थी उन्होंने किस तरीके से गिरा दिया था, 36 विधायक लेकर अलग हो गई थी, तो कमोबेश अब उस तरह के समय में वो बड़ा युग नहीं था। वो जो याद दिलाई है अश्विनी ने, बड़ा रोचक दौर था कि राजमाता निकली थी राजभवन की तरफ और जाके सरकार बदल दी और गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। बिल्कुल, अब ऐसा जो दौर, मतलब उस समय के इतिहास और कालखंड में जो लिखा गया था, तब शायद डिजिटल युग उस तरह का नहीं था और फोटो और पिक्चर्स उस तरह की नहीं रही, लेकिन आज के दौर के ये वीडियो
जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे, तो आप सोचिएगा कि वो समय हमेशा के लिए दर्ज हो रहा है। अश्विनी, कई जगह आपने काम किया, अलग अलग राज्यों में आपने देखा सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। अमूमन जब विधायकों को भी कहीं छुपा के, कैद करके, बंधक बना के जो भी कुछ कहें उनको रखा जाता है, तो दो जगह रखा जाता है, दो पाले होते हैं। मध्य प्रदेश में तीन जगह विधायक रखने पड़े। देखिए, मध्य प्रदेश क्या है कि अभी जो उनकी पूरी भूमिका विधायकों की जो तय हुई, वो यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पूरा उन लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य और समन्वय चला है। तो एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था, ये कई व्यक्तियों का एक सामूहिक निर्णय था, जिसकी वजह से। अच्छा, इस सब में कहीं कमलनाथ के प्रति नाराजगी विधायकों में है क्या? देखिए, कमलनाथ के प्रति नाराजगी तो जाहिर सी बात है कि पहले दिन से थी। लोगों ने इस बात को स्वीकार करने की कोशिश की। मैं आपको बताता हूं कि मैं उस चीज़ का गवाह हूं कि जब कमलनाथ जी का और ज्योतिराय सिंधिया का एक विज्ञापन बनाया गया था, और आपने देखा होगा कि उन्होंने विधानसभा में किस तरीके से अपनी तैयारी की, और दोनों पोस्टर बॉय थे, लेकिन बाद में आकर के यहाँ ये हुआ कि यहाँ जब लोकसभा चुनाव की बारी आई, तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ के फ़ोटो को उन्होंने पब्लिक के सामने पेश किया, और लगा कि लोकसभा चुनाव सिर्फ कमलनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। उसी दिन से सरकार के लिए चुनौती पेश होना शुरू हो गई। सरकार संकट में, अब सरकार तो जैसी चीज़, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ बचाव के जो उसके विकल्प हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो या डी हो, वो चारों के चारों विकल्प उसके बंद हैं। क्योंकि सरकार में नंबर आपको चाहिए, 114 की आप संख्या पे थे, 114 की संख्या में से आपको मान करके चलिए अगर 22 विधायक आपके चले जाते हैं तो आप 92 पे आते हैं, और 92 पे अगर आप बहुत अगर कोशिश करते हैं सपा बसपा और निर्दलियों को अपने साथ मिलाने की, तो आपका 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं होगा, 99 पे आकर के आपकी बॉल अटक जाएगी। और अभी जिस तरीके से कल विधानसभा अध्यक्ष ने 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं, और मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में कुछ और इस्तीफे स्वीकार हो गए या वो कल सदन के पटल पर नहीं आए, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति जाएगी कि जिसमें इनके लिए वो मुश्किल की घड़ी आ जाएगी, कि जहां सरकार स्वतः ही अपने आप को ये मान लेगी कि हमारे पास वो नंबर्स नहीं है। ये थे अश्विनी मिश्रा, जो अपने तजुर्बे से बता रहे थे कि फिलहाल तो कमलनाथ सरकार पूरी तरह से संकट में, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के लिए और बड़ा संकट शुरू होने वाला है, जिसका रोचक परिणाम आता रहेगा 26 तारीख तक, जब राज्यसभा के परिणाम सामने आएंगे। अनुराग उपाध्याय, दखल न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब किसकी सरकार पर संशय बना हुआ है? भाजपा 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट हो इसका हर संभव प्रयास करेगी। कमलनाथ के हाथ से रेत की तरह सरकार फिसल रही है। ऐसे में कांग्रेस कमेटी के कुछ नेता और पदाधिकारी ग्वालियर के अंचलेश्वर महादेव की शरण में गए हैं। कमलनाथ के डगमगाते सिंहासन को बचाने के लिए ग्वालियर में कांग्रेस कमेटी के कुछ नेताओं और पदाधिकारियों ने ग्वालियर के अंचलेश्वर महादेव मंदिर पर हवन पूजन किया। इस दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अचलेश्वर महादेव से इस बात की कामना की कि कमलनाथ की सरकार बची रहे और सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो जाए। हालांकि इस आयोजन में कांग्रेस कमेटी का कोई अधिकृत प्रत्याशी दिखाई नहीं दिया। आज हम सब लोग कांग्रेस के यहां लोग आए हैं, और मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो ये 21-22 विधायकों ने संकट छाया है, जिन्होंने जनाधार और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टियों में जाके या यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार को हटाने का प्रयास किया है। हम सब लोग अचलेश्वर भगवान पे यहाँ उनका अभिषेक करने आए थे कि हमारी सरकार कल बहुमत से पास हो और यहाँ कांग्रेस की सरकार जीवित रहे। समय है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जगदलपुर में नक्सली मुठभेड़ में सीएफ के 2 जवान शहीद हो गए और एक सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया। बताया जा रहा है कि जवान सड़क निर्माण की सुरक्षा देने के लिए निकले थे,
तभी उन पर घात लगाए बैठे नक्सलियों ने हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सीएफ के दो जवान शहीद हो गए और सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। जवान मालेवाही व बोदली कैंप के बीच सड़क निर्माण को सुरक्षा देने निकले थे, तभी नक्सलियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया, फिर एम्बुश लगाकर फायरिंग की। शहीद जवानों के नाम उपेंद्र साहू और देवेंद्र सिंह बताया जा रहा है। घायल सीआरपीएफ के जवान को उपचार के लिए रायपुर भेजा गया है। नक्सली हमले की पूरी जानकारी बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने दी। खबर है कि नक्सली हमले में दो AK-47 राइफल नहीं मिली है और आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों ने हथियार भी लूट लिए हैं। हथियार के मामले पर बस्तर आईजी ने कहा, आईडी ब्लास्ट की वजह से हथियार के घटना स्थल पर गिरने की आशंका, जवानों द्वारा मौके पर हथियार की तलाश की जा रही है। जिला दंतेवाड़ा बस्तर के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पल्ली बरसू रोड में मालेवाही और बोदली के बीच में सड़क निर्माण कार्य चल रहे थे, इसी सुरक्षा के लिए हमारा पार्टी रवाना हुए थे। सीआरपीएफ एवं सीएफ का पार्टी अपना अपना कैंप से रवाना हुए थे। उन पार्टी को टारगेट करते हुए आईडी ब्लास्ट हुआ और उसमें हमारा सीएफ का दो हेड कांस्टेबल स्पॉट में शहीद हो गए और सीआरपीएफ के एक एएसए का मामूली चोट है। वर्तमान में उनका इलाज अभी दंतेवाड़ा में जारी है, उनकी स्थिति सामान्य है। दोनों शहीद सीएफ के हेड कांस्टेबल का डेड बॉडी अभी स्पॉट से हम रिकवर करके अभी जिला मुख्य जगदलपुर ले रहे हैं। अभी स्पॉट से तत्काल जो घायल एक केस है प्लस दोनों जो शहीद जवान को बॉडी रिकवर कर दिया गया है। अभी आसपास जो डीआरजी टीम सर्चिंग कर रहे हैं, वो सर्चिंग अभी भी जारी है। सर्चिंग टीम का जो रिपोर्ट आने के बाद ही हमको एग्जैक्ट पता चलेगा उसमें क्या हमको और जो सामग्री वगैरह कुछ नुकसान हुआ या नक्सली की अभी कुछ और सामग्री या कोई घायल वगैरह रिकवर हुआ, अभी सर्चिंग की पश्चात ही अभी क्लियर हो पाएगा। छतरपुर की रिया ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने 3 घंटे में ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि दुकानदार ने अपने परिवार के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत खुद की दुकान में चोरी करवाई थी। जब पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो सारे आभूषण घर में रखे बोरे में मिले। पूछताछ में पता चला कि उसने यह ग्राहकों के आभूषण हजम करने के उद्देश्य किया था। छतरपुर के कोतवाली क्षेत्र में बीती रात हुई रिया ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना का 3 घंटे में ही खुलासा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घटना चोरों ने नहीं बल्कि खुद दुकानदार ने अपने परिवार के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत की थी। पुलिस को दुकानदार सुनील सोनी ने शिकायत की कि उसकी दुकान से चोर सोने चांदी के आभूषण सहित 5 लाख का सामान चोरी करके फरार हो गए हैं। जब पुलिस ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों और पुलिस डॉग की मदद से जांच की तो पता चला कि सुनील सोनी की दुकान से चोरी हुआ सामान उसके घर पर पड़ा है। पुलिस ने सुनील सोनी के घर की तलाशी ली तो बोरी में चोरी का सामान बरामद हुआ। जब पुलिस सुनील सोनी से पूछताछ करती है तो वह बताता है कि ग्राहकों से आभूषण हजम करने के लिए उसने यह चोरी की साजिश रची थी। अब पुलिस फरियादी दुकानदार को झूठी शिकायत करने पर कार्रवाई की बात कह रही है। ये सुबह के टाइम में ये रिया ज्वेलर्स हैं, उनके मालिक सुनील सोनी ने थाने पे एक एप्लीकेशन दिया था कि उनके यहाँ रात को चोरी हो गई है, सबदा जेवर वगैरह सब चोर चुरा ले गए हैं और शटर का ताला टूटा है। FSL टीम, डॉग स्क्वाड व थाना स्टाफ गया तो FSL वगैरह और सब ने, डॉग स्क्वाड वगैरह ने उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण पश्चात जब तलाशी ली गई तो उनके घर पे पूरा माल रखा हुआ था जो उनके द्वारा झूठी रिपोर्ट करना पाई गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रीवा में एक महिला का जंगल में शत विशत शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दुष्कृत करने के बाद उसके सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। रीवा के पनवार थाने के धरी जंगल में एक महिला का छत विछत शव मिला है। शव 5 से 6 दिन पूर्व का बताया जा रहा है। पुलिस ने आशंका जताई है कि महिला के साथ दुष्कृत किया गया है। उसके बाद महिला के सिर को पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच की थी। महिला का सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। इस दौरान सीन ऑफ क्राइम यूनिट के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर RP शुक्ला और जाम सिंह चौकर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों से शव की पहचान करवाने का प्रयास किया लेकिन उसका सिर पूरी तरह से कुचला हुआ था जिससे महिला की पहचान
नहीं हो पाई है। ये 100 डायल से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे बनकुप और डभौरा के बीच में जंगल में एक लाश मिली है, जिस पर हमारे सहयोगी मुकेश सब इंस्पेक्टर और दीपक तिवारी साहब मौके में गए और वहाँ देखे तो एक महिला की लाश पड़ी हुई थी, जो जिसका कि सिर कुचला हुआ था, शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, लगभग 4-5 दिन पहले की सड़ी हुई लाश है, जिसको मैं भी मौके में पहुंचा, देखा, वहीं मौके पर देहाती इमरजेंसी कायम कर उसकी जांच की जा रही है, अभी तक उसकी मतलब शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसकी जांच चल रही है। पूरे देश भर में कोरोना वायरस को लेकर दहशत का माहौल है। सरकार कोरोना वायरस के खात्मे और उसकी रोकथाम के कड़े प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में ग्वालियर में मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज ने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए विशेष अनुष्ठान करने की बात कही है। ग्वालियर में कोरोना वायरस को लेकर मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज ने अनुष्ठान करने की बात कही। अनुष्ठान में मंत्रों के साथ विशेष हिमालयन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाएगा। ग्वालियर में पंच कल्याणक महोत्सव में भी विश्वव्यापी कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खास अनुष्ठान किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इस अनुष्ठान से कोरोना वायरस का खात्मा होगा। वहीं सरकार से भी यह मांग की गई है कि देश भर में मांसाहार को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जिससे कि कोरोना वायरस की रोकथाम हो सके। संत मुनि श्री ने कहा कि चीन में मांसाहार के कारण कोरोना वायरस फैला है और अगर यहां भी मांसाहार को प्रतिबंधित नहीं किया गया तो निश्चित ही कोरोना वायरस की रोकथाम में बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। कोरोना वायरस की रोकथाम में बड़ी सफलता मिले इसके लिए मांसाहार पर प्रतिरोध लगा देना चाहिए। एक अनुष्ठान अपन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पंच कल्याणक महोत्सव ना विश्व शांति महायज्ञ ना, जिसमें अपन देखेंगे कि ना कल उसकी एंट्री होगी जलूस से और वहां पर परसों से वह यज्ञ चालू होगा, जिसमें अपन देखेंगे प्रतिदिन 1,008 मंत्र और ना अनेकों यंत्र के साथ उसकी आहुति दी जाएगी ना, जिससे कि उससे जो उठने वाला धुआं है, उसे निकलने वाली जो आभा है ना, वह पूरे चारों दिशाओं में दसों दिशाओं में फैलेगी और उससे जहाँ जहाँ उसकी आभा उसमें पहुँचेगी, जैसे नेटवर्क की तरह ना, और उससे वो लोग प्रभावित होंगे और जो जिनके कोई रोग है ही नहीं और रोग से डरने की कोई जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा अंतर डालना है और अंतर ये डालना है कि अगर हम लोग कुछ समय के लिए है ना सरकार ऐसे रोकथाम करना चाहती है तो सरकार क्या करे, हो सकता है कि अभी कुछ समय के लिए है ना मांसाहार पर रोक लगा दे कि कोई मांसाहार नहीं करेगा। तो जब चीन में अपन देखें जहाँ से पैदा हुआ है ये वायरस, वो मांसाहार से ही हुआ है, नॉनवेज से हुआ है, और यदि मान लो सरकार को जल्दी रोकथाम करना है तो अगर क्या करे, मांसाहार पर रोक लगा दे, शराब पर रोक लगा दे, गुटखा है ना, बीड़ी, सिगरेट है ना, इन पर रोक लगा दे, तो उससे क्या होगा, जल्दी पकड़ में आ जाए। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश भर में बारिश के साथ ओले पड़ रहे हैं, नतीजतन फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों के मुताबिक फसल जमीन पर टूट कर गिर गई है। प्रदेश के अंबिकापुर, कांकेर, बेमेतरा, दुर्ग, कवर्धा, रायपुर आदि इलाकों में बेमौसम बारिश ने रबी और जायद फसलों को तबाह कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लगातार 3-4 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से अरहर, अलसी, चना, मटर, सरसों के साथ गेहूं की फसल भी बर्बाद हो रही है। चना, मक्का और अरहर की फसल तो पूरी तरह तबाह होने की स्थिति में है। साग सब्जियों की खेती पर भी भारी प्रभाव बेमौसम बारिश ने डाल दिया है। नवीन तकनीक से शहर के आसपास खरबूज, तरबूज, करेला, खीरा की खेती करने वाले किसान तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश के कारण बड़ी राशि गंवा बैठे हैं। पानी भरने से पौधे गलने लगे हैं और खरपतवार उग रहे हैं। अंबिकापुर क्षेत्र में बीते 24 घंटे में करीब 40 मिलीमीटर बारिश हुई है। मार्च में हुई इस बारिश ने 22 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। अंबिकापुर में अभी तक 87 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। प्रदेश में मक्का और सब्जियों पर ओले का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। जहां बड़े ओले पड़े हैं वहां गेहूं भी प्रभावित हुआ है। कवर्धा, बौलादा बाजार, कांकेर, रायपुर और दुर्ग इलाके में किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। चना और मक्के की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।